हम इसको ये हटा रहे हैं एंड मम्मा नहीं चाह रही हमें हटाए। मैं मुंह का थप्पड़ मार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग हो गई है एंड अभी मैं उठते ही मम्मा पापा के रूम में आई हूँ तो मुझे एक टास्क दिया गया है। मतलब आजकल ये मेरी जो छोटी उम्र परीक्षा लेने लग गए हैं ना, वो बढ़ती जा रही है हर दिन एंड मोस्टली खाने के पर्पज से, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या ही तैयार करना चाहते हैं आगे लाइफ के लिए, तो ये मेरे को सब कुछ सिखाना चाह रहे हैं। बस मिला है कि मेरे को रोटी बनानी है बट आटा डाल के, ठीक है। एंड द फैक्ट इज मैंने आटा एक बार डाला है जिंदगी में एक बार, एंड अभी मेरे को कुछ उसका मेजरमेंट नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने पहली बार जब डाला था मैंने ठीक डाल दिया था, तो अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं दूसरी बार भी ठीक डाल सकती हूँ। तो आज मेरा यही टास्क है कि मेरे को आटा डालना है एंड फिर मेरे को रोटियाँ बनानी है। जो भी है आपको मजा आएगा, आप ये चीज इंजॉय करो। मेरा फर्स्ट टास्क यही है, तो पहले ये चीज खत्म करते हैं। टास्क जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ेगा, मैं इतनी बातें भी नहीं कर सकती आप लोगों से क्योंकि पापा को भूख लगी हुई है। एंड अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी मैं ये सब करके फिर नहाने जाऊंगी आराम से तसल्ली से, फिर मैं अपना खाना भी बनाऊंगी तब देखेंगे। तो अभी पहले मैं जल्दी से आटा गूंथती हूँ एंड पापा की रोटी डालती हूँ और चलो आप देखो मजे लो मजे, ठीक है। नहीं आ रहा नहीं, नहीं गाइस ऑल डन। इतना मेस मैंने क्रिएट कर दिया बट हो गया है, पसीने खाते रोटी रंगीन हो रही हो ना, मेहनत करिए दिखना चाहिए, मेहनत करिए। मैंने मैंने बोला था इस बाउल में बनाने के लिए, मैं इसमें ट्राई कर रही थी तो इसलिए हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, बट हाथ की हालत देख लो हो गया। खुशी नहीं मना सकते यार, करना होता है ये लगा दो। अब क्या करूँ इसका, फिर से करो यार, अभी तो चुकाया था। वो कर दिया मैंने फाइनली, ठीक है। मम्मी कहाँ गए, क्या फाइनली क्या किया? हाय बोलो, फाइनली हाय बोलो, देखना ये फाइनली क्या है तुमने बर्तन, इसमें आटा गूंदना कौन करता है। तो यार मम्मी मेरे को लगा हमने छोटे वाले वो उसमें बोला था प्लास्टिक में, देखो हो गया। ये देखो, ये देखो हुआ है ना, मैंने करा, सिर्फ मैंने, किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, किसी ने नहीं। एक बात बताओ, कोई जिसको बिल्कुल ही नहीं आता वो भी करेगा इतनी देर में, तो वो भी इतनी देर नहीं लगी गाइस, 15 मिनट लगे बस मेरे को। मम्मा रोटी बनाने लग गए, क्यों आपका वेट मेरे चक्कर में सब थोड़ा बैठे रहेंगे। मम्मी ने रोटी बना दी गाइस, मेरा आधा टास्क खत्म। चलो ये सफाई करना है आपको यहाँ से। मैं थक गया गाइस, मम्मा ने मटर पनीर बनाई है एंड रोटी, चलो खाना खाएं। गाइस शाम हो गई है एंड मैं भी बाहर आई थी क्योंकि कपड़ा रखना था गाड़ी में, एंड मेरा और हर्ष का प्लान है कि हम इसको ये हटा रहे हैं एंड मम्मा नहीं चाहती हम ये हटाएं, बट हम छुप छुपा के हटाने का ट्राई कर रहे हैं इसको, देखते हैं हम सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। मतलब मम्मी की अगर गालियाँ पड़ी तो वही बहुत बढ़िया। ये तो खोल दिया हमने, ओह कैसे खुलेगा ये, बस बहुत दो एक हाथ से तो बिल्कुल नहीं उठेगा मेरे, कोई फ़ायदा जिम करने का कोई फ़ायदा मेरा यही नहीं उठा, तो दोनों से तो मैं उठा दूँगी, एक से नहीं उठेगा मेरे से। चले एक हाथ तू लगा, पार्टी। इतना बड़ा इंजन है इसका गाइस, मुंह दिखाई कर लो इंजन, ये देखो ये लो देख लो मुंह दिखाई,
निकाल इसको निकाल। अच्छा वो है वाइपर के लिए, छोड़ ये निकाल जल्दी। अब मैंने नहीं निकाला, देख लो मेरे पास, मेरे पास वीडियो एविडेंस है। अब उधर से जाना पड़ेगा, वीडियो एविडेंस है कि मम्मी हर्ष ने निकाला है। मेरे को गालियाँ नहीं आनी चाहिए, ये बंदे हुए हैं यहाँ से। रुक जाओ, हाँ का उठा के आती हूँ, उठा के नहीं हटा के आती हूँ। अगर मैं आ गई यहाँ तो चलो मैं पहुँच तो गई। ओह माय गॉड, रुको रख के करती हूँ। 2 hours later हम स्टिल यहाँ है, हर्ष ने ये लगा दिया है, बट अब स्टिल यहीं पर ही। पता नहीं कैसे गार्ड मारी हुई है, थोड़ा बहुत तो मैंने खोल दिया है, बट अभी स्टिल ट्राई कर रहे हैं। मम्मी की आवाज़ आ रही है, अगर यहाँ से मम्मी आ गई तो कांड हो जाएगा यहाँ, हमारी अर्थ ही निकल रही होगी। जस्ट किडिंग, ये ज़्यादा हो गया ना। नहीं हमारा कुछ नहीं हो रहा, बट छोड़, बकवास बातें करती हूँ मैं कभी बार, इग्नोर करना। निकल गया इधर से, मेरे से नहीं निकल रहा यार। मैं ब्लॉक करने के चक्कर गाइस आपको भी दिखा रही हूँ मेरे स्ट्रगल। वेरी गुड, मत कर वो टाइट हो रहा है। और इसको उधर खींच ले ले, समझ तो आती नहीं है। खुल गया ये मेरे से। मम्मी यार अच्छा ये लग नहीं रहा था, अब होगा ना। डेथ है, आज मेरी डेथ है, इसी से डेथ है मेरी, देखना। मम्मी देखो अच्छी लग रही है ब्लैक। मैं मुगल तो थप्पड़ मार दूंगी, वो मक्खी आ गई अंदर। पनीर को मना किया था, देख लो वो नहीं तो तेरी वजह से गालियां पड़ रही है इसके। ये ले सजा ले, अब तू पागल है। देखो इसका रिबन थोड़ गया, बट मेरा रिबन रिबन गया मेरा। तू लगा ले, अरे हट ना, मेरे जो बाट लगी ना मेरी मम्मी से। दिखाती हूँ, रुको दिखाती हूँ। मम्मी क्या हो गया, रिबन तो है। पूछने की बात होती है, बात क्यों नहीं होती? बोलो चला, ये बदतमीजी होती है। पूछ कर करने का ना आता। चल मम्मी ने मना कर दी थी तो पूछ को होता है, ये वो थी ढीठता अग बढ़ के चल रहा है। रिबन के निशान लगते हैं पिछली वाली में। गाइज अपडेट, इस बंदे की वजह से मेरा भी कांड हो जाता, मेरी मेरी वाट लग जाती मम्मी से, बट अब मम्मी ठीक हो गई है। थोड़ा मूड में थोड़ा सा पहले एकदम से हाइक हो गया था मम्मी का, क्योंकि मम्मी का चेहरा ऐसे रख रखो, बट अब ठीक है मम्मी, मिलवा देती हूँ मैं। मम्मा आप ठीक हो? लुक दिए जा रहे हैं मेरे को बिना पूछे सर, वो काम किया ही मतलब। श्योर मम्मा, मम्मी ये हर्ष ने निकाला था, मैंने नहीं निकाला। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर, मम्मी दिखाऊंगी अभी आपको, इसी ने निकाला, मैंने नहीं निकाला। मैं को बनाने वाली थी। हाँ तो अपडेट, मम्मी अब मेरी मान गई है। क्या मान गई? अच्छा ही लगता रिबन बेवकूफ को। तो यार एक महीना कम रख सकते हो। छोड़ो ना, ना सबको पता नहीं गाड़ी है, तो इसको अब हम टांग देंगे कहीं। मैं कॉफी बना रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं लेट हो गई। ये तूने हटाया मेरा नाम, मत ले बेफालतू में। हंस रहा है वहां पर बेशरम। पापा बोल रहे हैं कि वो टाइम क्या तो? पापा मैंने नहीं हटाया, मेरे पास व्लॉग है पूरा फुटेज, इसने हटाया है। लाइट चलानी पड़ेगी इसने, अगर मैंने दिखा दिया अभी दिखाती हूँ। इसने हटाया मम्मी, इसने हटाया, मैं अभी अभी दिखा रही हूँ, रुक जाओ। अरे इसका अलग स्टार्ट हो गया, मैं अब कॉफी पी के ही जाऊंगी। तो जल्दी पी लेना। तो पी रही हो तो चुप रहे। हाँ तो मैं जल्दी जल्दी कॉफी बनाती हूँ अपनी, एंड फिर अब इसका भी स्टार्ट हो गया, बीच में इसको छोड़ने जाना होता है, तो मैं इसको ड्रॉप करती हूँ, फिर अपनी जिम जाती हूँ। तो कॉफी पीते हैं जल्दी, कॉफी इज ऑलरेडी, चलो इसको पीते हैं फिर जिम जाएंगे। ऑलरेडी जा रहे हैं जिम, एंड उस क्लिप के बाद मैंने प्रूव कर दिया मम्मी पापा को कि इसी ने हटाया था रिबन। दिखाई गा किसको? मम्मी पापा को सब दिखाई थी, इसी ने हटाया था। तो अब हम जा रहे हैं जिम के लिए, निकल रही हूँ मैं, काफी लेट हो गई हूँ, 6 बज गए। इसको भी छोड़ना पड़ता है आजकल, तो और ड्राम है। तो हम जिम जा रहे हैं, वहाँ पे दिखाते हैं आज लेग्स और शोल्डर्स करूंगी मोस्ट प्रोबेबली, एंड मैं टी शर्ट चेंज कर लिया तो नहीं करेगा कुछ, चुप कर। एंड मैं अपने चंपू बाल लेके चल पड़ी हूँ, जिम करते हैं।
पचपन पचपन एक सौ दस पचास की मशीन एक सौ साठ नाइस डन विद द जिम जिम हो गया जिम हो गया जिम हो गया जिम हो गया इतनी खुशी बता कितना मैंने सारे आज मैंने सारे पीआर मारे सारे हिप थ्रस्ट मारा फिर मैंने सुमो स्क्वाट्स मारा फिर लेग प्रेस मारा लेग एक्सटेंशन सब में मैंने मैक्स आज अच्छा करा लड़की ने आज अच्छा आई एम प्राउड थैंक्स आई एम आल्सो प्राउड ऑफ हर आज मेरे को मैं इतना खुश हूं इसको प्रोटीन दिला नहीं ये कुछ भी नहीं दिला रहा मैं खुद ले रही हूं तेरे को दिला रहा है वो तेरे को दिला रहा है ओए मेरी एक्टिव है बदतमीज हम जा रहे हैं प्रोटीन लेने प्रोटीन शोटीन लेना है हर्ष का प्रोटीन बार्स लेना है बार्स बार्स हां जी तो एज आवर सेम प्रोटीन लेने जा रहे हैं प्रोटीन शोटीन लेना है प्रोटीन बार लेना है आगे देखते चला यहां घुस रहा कैमरे में एंड अभी मैंने डाइट कुछ भी नहीं लिया क्योंकि अंडे संडे बंद हो चुके हैं मैंने भी नहीं ली हां तो हम प्रोटीन लेने जा रहे हैं मस्त आज मैंने जिम मारा मैक्स आउट करा है मैंने ये हमारे भाई ने पूरा 2.5 किलो मारे देखो इसने 2.5 किलो मारे किसी बंदे ने तो मैं आपको प्रोटीन लेके दिखाती हूँ कौन सा लेते हैं भैया सजेस्ट करते हैं वहाँ पर तो वो देखते हैं फिर घर चलूंगी बस भैया भाभी घर पे आए हुए हैं तो उनसे भी मिलेंगे आपको भी मिलवाऊंगी अगर तो मेरे को ब्लॉग एडिट करना है वो प्रायोरिटी है भैया प्रोटीन लेने चलते फिर दिखाती हूँ आपको वहाँ पर बैक होम एंड मैं प्रोटीन ले आई हूँ मैंने आज पी आर का मेरे को भी नहीं फुल फॉर्म पता मतलब ये है की जितना मैं वेट मारती थी ना मशीन पे या जो भी लेग पे तो मैंने आज सबसे ज्यादा मारा तो वो पीआर है मेरा मम्मी प्लीज यहाँ लग भेजी है कुछ आपने कॉन्ग्रेचुलेट करा कुछ बात करी मेरे से मैं पीआर मारे मुझे नहीं पता था ये वाला मैं प्रोटीन लेके आई हूँ एंड हर्ष के प्रोटीन बार्स ऑब्वियसली की गर्ल्स वगैरह एंड ये प्रोटीन है आइजो 90 भैया ने वहाँ पर एक्चुअली हम उनसे ही जो भैया वहाँ पर है उनसे ही हम गाइडेंस लेते हैं तो उनने मेरे को ये रेकमेंड करा पहले हमने लास्ट वन साइंस का लिया हुआ था वो खत्म हुआ तो उनने अभी ये रेकमेंड करा तो मेरा तो छूटा हुआ था इतने महीनों से अब मैं फिर से लेना स्टार्ट करूँगी तो देखते हैं कैसा जाता है बट आज का जिम बहुत अच्छा था मैं जल्दी से ओट्स बनाती हूँ मेरे को ओट्स खाने का बहुत मन कर रहा है तो मैं ओट्स खाऊंगी गाइस सब बैठे मीट भैया हाय हेलो बोलो यार क्या कर रहे हो सबसे फनी भैया हमारे अब नहीं बोलेंगे कुछ भी खाने में व्यस्त अभी खाने में व्यस्त नहीं होता यहाँ पर बोलना पड़ता है पैसे कटते जाते हैं वरना जितने बोलते हो खाना बंद करो फिर आप धार धार हाँ पहला जोक भैया का थार को भैया धार बोलते धार से थार है वो धार धार नहीं थार अरे यार मेरे को नहीं पता मेरे को तो शुरू से ये पता लगा है कि धार निकालो धार निकालो तो मैं तो उसको धार ही बोलूंगा जैसे गाय की धार निकालो नहीं गाय का दूध निकालते तो नहीं वो अलग है वो अलग है बिल्कुल आप डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो भाभी हाय बोल दो स्वीटेस्ट भाभी हमारे लिए स्वीटेस्ट मम्मी बेटी है खुश हाय बोल दे छोटे छिटू वो यामी भी वहां मस्त अपने फोन में बिजी है सब इनका बचपन फोन में निकलता है हमारा तो चलो अच्छा खासा निकल गया ये मेरी सगी वाइफ है सगी वाइफ क्या होता है अभी एक ही है एक लौती आज एक लौती भाभी पीट नावरा घर जाके भैया की बात लगनी चाहिए हाँ सौतेली बता दो चलो सगी बता रही था सौतेली भी बता दो अब हमने हमने भांडा फोड़ दिया है पकड़े गए मेरे अंदर है आपके अंदर नाम वाले जो होते हैं वो दिल से रिश्ता निभाते हैं अच्छा बीवी के साथ मतलब अपने प्यार को छुपा के रखते हैं भैया का नाम अमित है वैसे इसलिए फोड़ रहे मेरे को टोटा खाने दे यही क्या कट कर देते यार आप जोक ये नाम वाले मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं आप अपनी तारीफ नहीं बेइज्जती कर रहे वही मैं कह रहा हूं मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं जैसे मैंने अब यहां सबके बीच में कर दी कैसी जो मेरे को खुद नहीं पता और मैंने लफ्ज बोल दिए मैं खुद ही अपनी बातों में अपने आप ही फंस गए क्या यार सामने बीवी बैठी है मेरी जबान कहां से निकलेगी अभी तो प्यार के बारे में बताने तो बीवी के सामने थोड़ी बताऊंगा
अच्छा हाँ सही बात है, सौतेले के बारे में नहीं बताना सगी के सामने। हाँ भाभी को एग्जिट करके भैया की पोल पट्टी निकालनी पड़ी है। ये गुड़गांव के कोर्ट में जाके खड़ी होगी तो मैं कांचे भी लेके वो दूसरी। ये बात भी सही है वैसे, समझा करो ना, तो सौतेली आ जाएगी फिर। कर रहे अभी रात के कितने बज गए, 11 बज गए, 11 बज गए, हम ऐसे चिल कर रहे हैं। पापा और हर्ष तो सोने चले गए, भैया को भूख लगी एकदम से डोडा खाने। मैं धार की डोडा खा रहा हूँ। धार नहीं है वो, थार है भाई मेरे लिए। खुश बता दे क्या है, थार है ये, थार थार इतना मस्त नाम है भैया, थर। बस ये लो, बच्चे को भी पता है आपके बच्चे रहे, आपकी बेइज्जती मार रही हो यार। इतनी सफाई मत दो यार, मैं इंसान हूँ, ऐसे पाउडर तो होनी। मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया, जाके देखो जल्दी जल्दी। दोस्त ऐसे होते हैं, देखो ये रटा हुआ है, ये रटा हुआ है। भाभी की स्माइल समझ आ रही है। हम सबको आपका सच पता है भैया, तो यहाँ अलग पार्टी चल रही है, यहाँ अपनी बड़ों की अलग पार्टी चल रही है। करो यार भाई, करो करो, हमें देख लिया उसने। बाय बोल दो, बाय गाइस, आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बोल दो फिर से, बाय बाय।